का मारा मान लुगाई ने सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने दिया लुगाई ने जी दिया लुगाई ने बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने मान लुगाई ने रे मारा मान लुगाई ने मारा मान लुगाई ने सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने दिया लुगाई ने बड़े बड़े ऋषि योगा मारा मन लुगाई ने बड़े बड़े ऋषि योगा मारा मन और बड़े बड़े ऋषियों का मारिया मान लुगाई ने सजनों बताऊंगी विश्वामित्र जैन का ऋषि कठिन तपस्या करी इंद्र को इंद्रासन आल जाए है इंद्र आपकी परी ही उर्वशी मेनका जैन की बान भेजी और विश्वामित्र की तपस्या भंग कर नारी की उपमा बहुत बड़ी बताई है तो भजन में और केवे देखो अरे के कई जुल्म किया था मोटा के कई जुल्म किया था के कई जुल्म किया था मोटा बो के कई जुल्म किया था मोटा जुल्म किया था रूप से वचन मांग लिया खोटा रूप से वचन मांग लिया खोटा दिराया 14 साल का दे सूटा दिराया 14 साल का दे सूटा वनवास जब दिराया लुगाई ने वनवास जब दिराया लुगाई ने दशरथ से योद्धा का ले लिया प्राण लुगाई ने दशरथ से योद्धा का ले लिया प्राण लुगाई ने ये जी सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने दिया लुगाई ने जी दिया लुगाई ने बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने जुल्म किया था मोटा भूप से वचन मांग लिया खोटा सजनों देवासुर संग्राम की बात है जिन टाइम में देवताओं के और असुरों के लड़ाई हुई राजा दशरथ भी बैठई हो राजा दशरथ के कहीं की रथ के पहिया की कील निकल जाए है लकड़ी का पहिया होया करता बा गाड़ी कील ठोकड़ी होती रथ जो डिगबा लागो केकई की एक आंगली वज्र की बतावा हा केकई आपकी आंगली कील की जगह लगावे राजा दशरथ का प्राण सजनों कहेंगी राजा दशरथ प्रसन्न होकी कहने लग जाए कि कई जो भी तू वरदान मांगेगी आज तन मिल जाएगा वो मांग तू के कई बोली महाराज बार तो कोई चीज की जरूरत को नहीं अरे वचन दे दो कणा जरूरत पड़ली जना मांग लूंगी तो कौन सा टाइम में मांगे देखो
राम ने वनवास दिलावे और दशरथ ने राज दिलावे, न तो राम राज कर पावे और न भरत राज कर पावे। भी पुत्र वियोग के मायने राजा दशरथ तरफ तरफ मर जाने बियन का योद्धा मर बड़ा थोड़ी आदि बाएक लुगाई ही। और दूसरी कौन सी हुई? सावत्री अश्वपति की जाई, सावत्री अश्वपति की जाई, ओ बातो सत्यवान संग ब्याही, बातो सत्यवान संग ब्याही, पति ने यम से छुड़ा कर लाई, पति ने यम से छुड़ा कर लाई, दिया जीव दान लुगाई ने रे, दिया जीव दान लुगाई यमराज से राजा का मारा मान लुगाई ने, यमराज से राजा का मारा मान लुगाई ने, सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने, सबसे बड़ा अधिकार कर तार ने, आदिया लुगाई ने अपने बड़े ऋषि योगा मारा मान लुगाई ने। के वे सावत्री अश्वपति की जाई बा सत्यवान संग ब्याई। सावत्री मगध देश को राजा अश्वपति भी की लड़की राजकुमारी ही देखो, क्योंकि सावत्री अति रूपवती गुणवती भी की जोड़ी को कोई बर नहीं मिले। अब पहली सजनों जोड़ी का बर ढूंढ्या करता, आजकल तो मुसल का दजाबान थी। क्योंकि सावत्री और हताश और आपका पिताजी ने केवल लाग जाए, बोले पिताजी मेरी जोड़ी को बर मई ढूंढ रे लासु। तो कहेंगे सावित्री रथ झुक वाले है और बैठाऊ रवाना हो जाए, चलती चलती बियाबान वन खंड में बैठे आ जाए, जटे सत्यवान लकड़ी काट रहे। सावित्री सत्यवान ने पेड़ पर लकड़ी काटता देखे है और मन में विचार कर ले कि शादी करा तो इस ही। सावित्री कहने लाग जाए नीचे आ जा तू, जो कोई भी है मैं तेरे से शादी करना चाहू। सत्यवान कहने लगे बोले बावड़ी तू है कौन ठे जंगल में चुड़ैल है कोई भूतनी? सावित्री कहने लग जा मैं कोई चुड़ैल भूतनी नहीं हूं, मगध देश की राजकुमारी हूं और मैं तेरे से शादी करनो चाहूं। सत्यवान कहने लगे बावड़ी मान लो टाइम पास इस दो रो रहे, क्योंकि सत्यवान के पिताजी के भी राजपाट हो बांको सेनापति चोड़ा राय और दोकाशियों बांको राज छीन लिया और भी का माता पिता ने अंधा कर दिया। देखो सत्यवान कहने लगे बावली महालो गुजारो कौन चाल रहे हो? सावित्री कहने लगी तू सत्यवान जी हाल में रखे गोक भी हाल में रह जाऊंगी, लेकिन मैं शादी तो तेरे से ही करूंगी। अत्यान सजनो कहेंगे नारद जी प्रकट हो जाए। नारद जी कहने लगे बोले सावित्री तू जिका के शादी करना चक्कर में लाग रही की उम्र ज्यादा को नहीं है, वो साले की जीवल और भी बाद में मर जा लो। सावित्री कहने लग जा बोले महाराज वो चाहे साल जीवे छह महीना जीवे, मैं सतवंती हूं मन में पति मान लियो तो मान ही लियो। सती बाई जगह के पति है और जती बोई जगह के पत्नी है। सजनों कहेंगे सावित्री सत्यवान के साथ में शादी कर ले है और जो ही वो एक साल को समय नजदीक आयो, सत्यवान कहने लगे सावित्री मेरे तन बदन में आग सी लाग रही है, लागे जानो कोई मेरा प्राण निकाल ले जानो सारे। सावित्री समझ गई बोले भाई नजदीक समय आएगो ही गो। तो कहेंगे सावित्री सत्यवान को सिर आपकी गोदी में रखकर बैठ जाए है। यमराज कई दाव खेलिया लेकिन प्राण नहीं निकाल सकियो और अंत में छलस्यू और पानी मंगावे है यमराज। सावित्री जो ही माए ने पानी लावा जाए है और पीछे सत्यवान का प्राण लेके रवाना हो जाए।
सावित्री पाछे आई समझ गई भाई यमराज प्राण तो निकाल लेंगे, लेकिन कहेंगे सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे रवाना हो जाए है। यमराज सावित्री ने पाछे आती देखकर कहने लगी, बोला सावित्री विधि को विधान मैं पलट नहीं सकूं, यमराज तन सत्यवान का प्राण तो वापिस नहीं मिल सके, लेकिन हाँ तो कोई और चीज चाहिए तो तन मिल जाए। सावित्री कहने लगी महाराज वचन दे दो काल न दे जाता ज्यादा पलट जाओ इनको काम नहीं हुए। तो कहें कि सावित्री मांग वाला की बोले महाराज मेरा सास ससुर अंधा ही मां का आख्या जानी चाहिए और बन मांगो राज पाछो मिल जानो चाहिए और तीसरो मेरे एक निष्कलंक पुत्र हो जानो चाहिए। यमराज बोले तथास्तु। जो यमराज चाल वाला की सावित्री फिर आटी फिर जाए, बोले महाराज अब कट जाओ हो। तो बोले सावित्री तन जगह वचन दिया भाई पूरा हो जैसी, बोले ना दो तो जैसी, लेकिन मेरा पति का प्राण थे लेर जा रहा हो, मेरे अगर पुत्र हो तो मेरा दाग लागे। तो क्योंकि बचना मंदड़ा यमराज ने और सावित्री ने सत्यवान का प्राण वापस करना पड़ा। भाभी एक लुगाई हीरे तो आगे कौन गई अरे तुलसी था पक्का बदमाश, तुलसी था पक्का बदमाश, शिवर में गया बहू के पास, शिवर में गया बहू के पास, भगत फिर बन गए तुलसीदास, भगत फिर बन गए तुलसीदास, ज्ञान जब दिया लुगाई ने रे ज्ञान जब दिया लुगाई ने, एक शब्द में कर दीना कल्याण लुगाई ने, एक शब्द में कर दीना कल्याण लुगाई ने, सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, ओ दिया लुगाई ने जी दिया लुगाई ने, बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने, बड़े बड़े ऋषियों का मारा मान लुगाई ने, वाह भाई तुलसी था पक्का बदमाश, पीवर में गया बहू के पास। तुलसीदास जी बबी कम को नहीं, हाँ पहली बहुत वाली जी बदमाशी करता देखो, कह वाल्मीकि जी अब भी डाकू हा। तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन रत्नावली कहने लाग जा, बोले पति देव मैं भी मेरे पीर जय हूं। तुलसीदास जी बोला तू पीर चली जा मेरे शाम को अड़ जा कौन फलका पोर दे। रत्नावली कहने लगी पति देव तन सूरमा का पांच चार पेंडिया बना दे जाऊं जो शाम ताई तो खाली जोर तरके पाछी आ जा। तुलसीदास जी कहने लगे दचरी तो कमी है पर कोई बात होनी चाहिए। आप सजनों कहेंगे रत्नावली बिठाऊं चली जाए है, अब तुलसीदास जी में पांच चार पेंडिया आ जाएगा वहां पर मेदर गांव का नहीं गया जो यार वायदा खाएगा। रात में तुलसीदास जी तारा गिणा नींद को नहीं आवे और रत्नावली से प्रेम क्रिया करता, मन में विचार करो पेश पड़े तो गुनी जीव तो आपने भी सास रही चलो। तो कहें कि सजनो एक नदी बीच में पड़िया करती, अभी नदी पर कोई एक अर्थी तैरती तैरती आ रही, बीमर बैठ नदी ने पार कर ली ही। अब्बा लड़िया रहता ही रात ने एक डेढ़ बजे कुआड़ तो कौन खोलो, और कहें कि तुलसीदास जी सीधा ऊपर चौबारा गमाए न जाबा की कोशिश करे, घरा के चारों मेर चक्कर लगा रहा है एक सरप लटक रहे हो। तुलसीदास जी मन में विचार करो हो न हो रत्नावली अपन देख लिया आपने लिए कोई रसो लटकाए। तुलसीदास जी पकड़ सरप नर ऊपर चला जाए ही, रत्नावली देख रखने लगी पति देव थे अठे, बोले बावली मारो तो रियो गुन गयो और मतो आएगी, अरे फूटा ढोल आ तो गयो लेकिन ऊपर क्या आयो, बोले बाहर तो रसो लटकायो ने। रत्नावली कहने लगी मैं तो कोई रस्सो को लटक गए, बोले अभी लटक रही हाल तो दिखा लिया उधर। तो कहीं सांप का नहीं चाल आना, सांप पहली बांक को चाले मन में विचार करो बेरी बार सांकल ढीली कर गो हो और ना को पावलो।
जना कहीं की रत्नावली कहने लगी, बोले पति देव थे मेरा प्रेम अत्ता बावड़ा हो रहा कि तनो ही कोने मेरो बड़े सांप है जे उड़ो जितना है आराम से, बोले शरीर से जो थे प्रेम करो ने इन्हें छोड़ दो, जितना है आराम से उतना अरसे हो तू चला जाए बैकुंट में धरो पल्लो ने पकड़े कोई। बोलो जितो प्रेम थे अगर भगवान से करो तो कोई तारो पल्लो पकड़ पड़ो गुनिया सीधा चले जाओ। तो कहीं की तुलसीदास जी के बड़े शब्द लगे, बोलो आज सु रत्नावली तू थारे में बटे छोड़ राजा ही और सरयू नदी के किनारे बैठ के भगवान की भक्ति करी देखो। 82-83 वर्ष की उम्र के मैं रामचरित्र मानस में लिखी शब्द लगा तो आई हो देखो भाभी एक लुगाई है कुल नहीं तैयार दियो और कही आगे देखो कुण इंदर नीच किया था विचार, इंदर नीच किया था विचार, गौतम घर छेड़ी अहिल्या नार, गौतम घर छेड़ी अहिल्या नार, ओ भग फिर बन गए शस्त्र हजार, भग फिर बन गए शस्त्र हजार, ध्यान जब दिया लुगाई ने, ध्यान जब दिया लुगाई ने, चंद्रमा से देव के दाग लगाया लुगाई ने, चंद्रमा से देव के दाग लगाया लुगाई ने, ओ सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, दिया लुगाई ने जी, दिया लुगाई ने जी, बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान निगाया लुगाई ने, ओ बड़े बड़े ऋषियों का ध्यान निगा, था विचार गौतम घर छेड़ी अहिल्या नारे, कहीं की गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बड़ी रूपवती गुणवती ही, इंद्र मन में विचार कर की रूपवती स्त्री को और मृत्युलोक में के काम आपने दरबार की अप्सरा होनी चाहिए। तो कहीं की चंद्रदेव ने साथ में लेगी और मृत्युलोक में आ जा। गौतम ऋषि सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाया करता, चंद्रमा ने मुर्गा को रूप देखी और बेड़े बेड़े बांग लगवा दी। अब गौतम ऋषि तो पहले कौन सा जमाना में घड़ी ही देखो, मुर्गो जुई बांग लगाई धरी काना पर धोती गंगा स्नान के लिए निकल जाए, जुई जाकी और गंगा के मायने पैर दियो, सत्य को जमानो वो सजनो गंगा महारानी बोल उठी, बोले क्या आज बेड़े बेड़े क्या हाँ, तो बोले नहीं मैं तो मुर्गो बांग लगाई जना है, बोले ना पाछो चलो जा कोई ना कोई गड़बड़ है। तो कहेगी गौतम ऋषि जुई पाछा आया बढ़े, इंद्र तो नहीं मिले लेकिन चंद्रमा मिल जाए, चंद्रमा ने भी श्राप दे दी, आपकी पत्नी अहिल्या भी श्राप दे दी, बोलो जा पत्थर की बन जा तू, अहिल्या पत्थर की बन जाए, त्रेता युग का चौथा चरण कमाए भगवान श्री राम आवे जना अहिल्या को उद्धार करे, और कन्नी आपकी पुत्री अंजनी भी ने भी श्राप दियो, बोलो जा तेरे भी कुमारी के पुत्र जागो, तो मांगो वो श्राप भी खाली नहीं गयो थे। तो भजन मोर कही है केना सही था विशंबर का, केना सही था विशंबर का, ओ जाके लावा लेस नहीं डर का, ओ जाके लावा लेस नहीं डर का, ए जगदेव पवार के सिर का, ओ जगदेव पवार के सिर का, दान जब दिया लुगाई ने रे, दान जब दिया लुगाई ने, जय चंद से राजा का मारा मान लुगाई ने, जय चंद से राजा का मारा मान लुगाई ने, ओ
सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, सबसे बड़ा अधिकार करतार ने, दिया लुगाई ने जी, दिया लुगाई ने जी, बड़े बड़े ऋषियों का माया मान लुगाई ने, बड़े बड़े ऋषियों का माया मान लुगाई ने, दिगाया ध्यान लुगाई ने, दिगाया ध्यान लुगाई ने, ओ माया मान लुगाई ने, कहना सही था विश्वंभर का जाके लावा लेस नहीं डर का, जगदेव कुमार के सिर का दान जब दिया लुगाई ने, और जयचंद से राजा का मारिया मान लुगाई ने। अभी एक लुगाई देखो माँ जगदम्बा बटियाणी का रूप में आवे, देखो वाजी वाह। बोलो भगत वत्सल भगवान की।